हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट टॉपिक इज मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। सबसे पहले देखते हैं बॉडी मैकेनिक्स। बॉडी मैकेनिक्स क्या होता है? बॉडी मैकेनिक्स में एक मसल्स का करेक्ट यूटिलाइजेशन होता है किसी भी टास्क को करने के लिए, किसी भी काम को सेफली और इफ़िशेंटली करने के लिए मसल्स का करेक्ट यूटिलाइजेशन करना विदाउट किसी स्ट्रेन के, जैसे कोई मसल्स या फिर जॉइंट पे किसी भी तरह का स्ट्रेन ना हो, ठीक है। और इट इज़ एफिशिएंट यूज ऑफ बॉडी एज ए मशीन एंड एज ए मीन ऑफ लोकोमोशन। पर्पस ऑफ बॉडी मैकेनिक्स, पर्पस क्या है बॉडी मैकेनिक्स के? टू अवॉइड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम पे से कोई भी स्ट्रेन या स्ट्रेस को अवॉइड करना, ठीक है। और प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को प्रमोट करना बॉडी के, और टू प्रमोट प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। इट मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी विदाउट स्ट्रेन एंड टू प्रिवेंट काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस एंड अदर डिफॉर्मिटीज एंड इट कंट्रीब्यूट टू वंस ब्यूटी। तो ये सब हमने पर्पस देखे बॉडी मैकेनिक्स के। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स। तो बॉडी मैकेनिक्स के क्या क्या प्रिंसिपल हैं? मेंटेन गुड पोस्चर इन ऑल एक्टिविटी बाय अवॉइडिंग ट्विस्टिंग द बॉडी। टर्न योर होल बॉडी फेस द एरिया इन विच यू आर वर्किंग। इट इजियर टू स्लाइड, पुल और रोल एन ऑब्जेक्ट देन टू लिफ्ट इट। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एनर्जी नीडेड टू राइज द वेट। एंड मूवमेंट शुड बी स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट रादर देन जर्की टू प्रिवेंट इंजरी। यूज स्ट्रोंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मसल्स टू परफॉर्म टास्क विच रिक्वायर फिजिकल इफर्ट। कीप द ऑब्जेक्ट एज क्लोज एज पॉसिबल टू योर बॉडी व्हेन लिफ्टिंग, मूविंग और कैरिंग देम। कीप द वर्क एट द कंफर्टेबल हाइट टू अवॉइड एक्सेसिव बेंडिंग एट द वेस्ट। कीप योर बॉडी इन गुड फिजिकल कंडीशन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंजरी। प्लेस द फीट ए पार्ट टू प्रोवाइड ए वाइड बेस ऑफ सपोर्ट एंड बेटर बैलेंस। गेट हेल्प इफ द ऑब्जेक्ट फील टू हैवी टू लिफ्ट। फ्लेक्स द जॉइंट नी एंड हिप्स टू कम क्लोज टू द ऑब्जेक्ट इंस्टेड द बेंडिंग बैक। कीप वर्क क्लोज टू द बॉडी। यूज द हाइट ऑफ द बॉडी टू पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट बाई कीपिंग द बॉडी अबव द ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद में है जनरल इंस्ट्रक्शन इन मूविंग एंड लिफ्टिंग पेशेंट। तो किसी पेशेंट को मूव या लिफ्ट करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो ध्यान में रखने चाहिए? प्लान द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट अहेड ऑफ टाइम एंड बी श्योर द पाथ इज क्लियर। फेस द डायरेक्शन इन विच मूवमेंट विल बी मेड एंड अवॉइड ट्विस्टिंग ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। Place the feet comfortably apart to provide a wide base of support. Flex the knee and hip joint by keep the trunk as vertical as possible. Keep the patient as close to the body as possible. Avoid jerking and twisting during the lift. Heavy patients should be moved in bed by sliding them rather than lifting them. Assistant should be requested by when lifting or moving heavy patient. The height of the bed should be adjusted to a height that permit the nurse to keep her back as erect as possible when moving the patient in bed. The patient is moved to the edge of the bed before he is lifted from the bed. This helps the nurse to keep her trunk more erect. When moving a patient by more than one person, each worker assumes the responsibility for supporting one of the patient body section. The area to be supported are head, shoulder and chest, hips and thigh and ankles.
in order to coordinate the movement of the worker, they maintain the patient body in correct alignment throughout. The leader give the signal by counting 1, 2, 3, etc. During each count, a particular procedure is carried out by the worker. Unless coordinated, contraindicated, encourage the patient to use his ability as much as possible. Observe the patient for symptoms of orthostatic hypotension such as fainting, dizziness and sweating, etc. Do not support the patient under his armpit since injury major nerve and blood vessels may occur. Always lock the wheel the bed stretcher prior to transferring the patient to increase minimum static friction between the wheels and floor. Then basic manual of wheelchairs. और कौन कौन से पार्ट होते हैं व्हीलचेयर के? सबसे पहले पुश हैंडल, जो कि हैंडल्स होते हैं जो कि जिनको पकड़ के व्हीलचेयर को आगे पीछे पुश किया जाता है. उसके बाद में बैक रेस्ट, आर्म रेस्ट, पुश रिंग, ये ब्रेक रियल व्हील, एंटी टिप बार एंड कैस्टर. इधर कैशन सीट, फ्रेम, काफ, स्टेप, फुट प्लेट एंड स्ट्रीट. ठीक है, उसके बाद में पोजीशन सूट फॉर कंफर्ट. तो कंफर्ट के लिए कौन कौन सी पोजीशन होती है? सुपाइन पोजीशन या हॉरिजॉन्टल रिकमेंड, या डोर्सल और बैक लाइन, या फिर डोर्सल एलिवेटर और सेमी रिकमेंड पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेटरल और साइडलाइन पोजीशन, फॉलर पोजीशन एंड कार्डिक पोजीशन. जो ये है, ये पोजीशन है सुपाइन पोजीशन. ठीक है, और ये है प्रोन पोजीशन जिसमें कि पेशेंट है वो एब्डोमेन पे होता है, और ये है साइडलाइन या फिर लेटरल पोजीशन. ठीक है, ये है फॉलर पोजीशन. उसके बाद में पोजीशन यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी पोजीशन यूज में ली जाती है? डोर्सल और हॉरिजॉन्टल रिकमेंड पोजीशन, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन, सिम्स लेटरल और लेफ्ट लेटरल पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, नी चेस्ट या जेनू पेक्टोरल पोजीशन या ट्रेंडलबर्न पोजीशन. डोर्सल एंड हॉरिजॉन्टल रिकमेंड पोजीशन यूज मोस्टली फॉर द हेड टू फुट एग्जामिनेशन. एंड डोर्सल रिकमेंड पोजिशन यूज फॉर द वल्वल वेजाइनल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड फॉर द ऑपरेटिव प्रोसीजर ऑफ वल्वल एरिया एंड फॉर सच प्रोसीजर एज कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लेडर. देन ये है डोर्सल रिकमेंड पोजिशन. देन इरेक्ट पोजिशन, दिस इज नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन विथ बोथ फीट ऑन द फ्लोर, यूज फॉर ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. सिम्स लेटर और लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजिशन, द पेशेंट लाई ऑन द लेफ्ट साइड, वन पिल्लो प्लेस अंडर द हेड विद द लेफ्ट चीक रेस्टिंग ऑन इट, देन लेफ्ट आर्म ड्रॉ बिहाइंड द बैक एंड राइट आर्म मे बी एनी पोजिशन कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट. द राइट थाई इज फ्लेक्स्ड अगेंस्ट द एब्डोमन, यूज मेनली फॉर द वेजाइनल रेक्टल एग्जामिनेशन. ये सिम्स पोजिशन. देन लिथोटोमी पोजिशन, द पेशेंट लाई ऑन द बैक विद वन पिल्लो अंडर द हेड, द लेग वेल आर वेल सेपरेटेड एंड द थाई आर वेल फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमन एंड लेग ऑन द थाई, द पेशेंट बटेक आर प्रोड टू द एक्सट्रीम एज ऑफ द टेबल एंड लेग आर सपोर्टेड ऑन द स्ट्रिप्ट, यूज फॉर द गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट एंड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम. तो ये है लिथोटोमी पोजिशन जिसमें कि गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं. ये नेक्स्ट है नी चेस्ट या जेनो पेक्टोरल पोजिशन, मेनली यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टल और वेजाइना, आल्सो एज एक्सरसाइज फॉर द पोस्ट पार्टम पेशेंट. तो ये है नी चेस्ट पोजिशन जो कि वेजाइना और रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए दी जाती है. उसके बाद में ट्रेंडलबर्न पोजिशन, द पेशेंट लाई ऑन द बैक एंड फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड
एट द 45 डिग्री एंगल. द बॉडी इज ऑन इंक्लाइन प्लेस एंड लेग हैंग डाउनवर्ड ओवर द एंड ऑफ टेबल. दिस पोजिशन इज यूज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और ऑपरेशन ऑन द पेल्विक कैविटी इन टू द अपर एब्डोमन. आल्सो यूज टू ट्रीट शॉक, डिक्रीज ब्लड प्रेशर. तो ये है ट्रेंडलबर्ग पोजिशन, जिसमें कि हेड एंड को, जो बेड का हेड एंड है उसको 45 डिग्री एंगल नीचे की तरफ किया जाता है. ठीक है, तो ये स्पाइन की पोजीशन दे रखी है. ठीक है, सबसे पहले पिक्चर में नॉर्मल पोजीशन है स्पाइन की, और दूसरे में स्कोलियोसिस जिसमें थोड़ी सी स्पाइन टेढ़ी हो रखी है. देन उसके बाद में काइफोसिस और लोर्डोसिस. उसके बाद में है रीजन नेम हेड, नेक, अपर लिम एंड लोअर लिम एंड ट्रंक. शोल्डर एबडक्शन एंड शोल्डर एडक्शन. तो जो आर्म है उसको बॉडी से अगर दूर की तरफ ले जाया जाता है तो उसको बोलते हैं एबडक्शन, और उसको जो आर्म है उसको पास की तरफ लाए जाए बॉडी के अलाइनमेंट के, तो उसको एडक्शन बोलते हैं. मूविंग अप इन ए बेड, टर्निंग ए पेशेंट लेटरल एंड प्रोन पोजिशन. लोग रोलिंग टेक्निक यूज टू टर्न ए पेशेंट वाइल बॉडी मस्ट एट ऑल टाइम बी केप्ट इन स्ट्रेट अलाइनमेंट. ठीक है, तो इसमें पेशेंट को जब स्ट्रेट रखा जाता है, इस पेशेंट की स्पाइन को स्ट्रेट रखा जाता है, उस कंडीशन में इस तरह से जो है पोजीशनिंग दी जाती है पेशेंट को. इसको लोग रोलिंग पोजीशन बोलते हैं. असिस्टिंग पेशेंट टू सीटिंग पोजीशन, ट्रांसफरिंग ए पेशेंट फ्रॉम बेड टू चेयर, ट्रांसफरिंग ए पेशेंट बिटवीन बेड एंड स्ट्रेचर. फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी. कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉडी की अलाइनमेंट और मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इन एडोलेसेंट ग्रोथ स्प्रूट्स में रिजल्ट इन अक्वार्डनेस दैट कैन बी मैनिफेस्टेटेड इन पोस्चर एज एज एडवांस. मसल स्टोन एंड बॉडी एंड बोन डेंसिटी डिक्रीज, जॉइंट लूज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीच टाइम स्लोली, रिएक्शन टाइम स्लो एंड बोन मास डिक्रीजेस. देन कंजेनाइटल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल हिप डिस्प्लेसिया, स्पाइना बाइफिडा या सेरिब्रल पाल्सी. देन न्यूरोमस्कुलर डेफिसिट, मस्कुलर एट्रोफी, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आर प्रोग्रेसिव दैट इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल मस्कुलर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. एंड मस्कुलो स्केलेटन डेफिसिट, फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. देन क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि दीज इंडिकेशन ऑफ ऑन डिक्रीज मोबिलिटी बिकॉज सच डिसऑर्डर लिमिट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर टू द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट. देन ट्रॉमा, इंजरी टू द जॉइंट टेंडन लिगामेंट मसल्स एंड बोन अफेक्ट बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी. देन अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, ऐसे डिप्रेशन, कैटेटोनिक स्टेटस रिजल्ट इन लिमिटेड मोबिलिटी, नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट बट ड्यू टू लैक ऑफ डिजायर टू मूव. देन थेरेप्यूटिक मोडलिटीज, जैसे रेस्ट्रिक्टिव डिवाइसेज सच एज कास्ट, स्प्लिंट मे बी यूज टू इमोबिलाइज सर्टेन एरिया ऑफ बॉडी टू प्रमोट हीलिंग. देन न्यूट्रिशन, बोथ अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन कैन इन्फ्लुएंस बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी. पुअरली नरिश पीपल मे हैव वीकनेस एंड फैटिक. विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज बोन डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग ग्रोथ. एंड इनएडिक्वेट कैल्शियम इनटेक इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. पर्सनल वैल्यू एंड एटीट्यूड, चॉइस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यू. उसके बाद में नेक्स्ट है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज. रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज रिफर्स टू एक्टिविटी एम्ड एट इम्प्रूविंग मूवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक जॉइंट टाइप
टाइप कौन कौन से हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के? एक्टिव रेंज मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म बाय पेशेंट विदाउट हेल्प, ठीक है, जो एक्टिव रेंज है वो पेशेंट खुद ही करता है विदाउट हेल्प के, और पैसिव रेंज मोशन एक्सरसाइज होती है, इसमें पेशेंट जो है वो सेल्फ नहीं कर पाता है, हेल्थ केयर वर्कर की हेल्प की ज़रूरत होती है। एक्टिव असिस्टेंट रेंज ऑफ मोशन, द पेशेंट डज द एक्सरसाइजेस विद सेम असिस्टेंट फ्रॉम अनदर पर्सन और इक्विपमेंट। देन जनरल रूल्स ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जनरल रूल्स क्या है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के? यूज गुड बॉडी मैकेनिक्स, गुड बॉडी मैकेनिक्स का यूज करना, और जो भी एक्सरसाइज करने हैं किसी बॉडी पार्ट के, सिर्फ उसी को ही एक्सपोज करना, और पेशेंट को एक्सप्लेन करना कि क्या क्या करने जा रहे हैं उसके साथ में, कैसे एक्सरसाइज होगी, ठीक है, और जो जिस एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइज हो रही है उसको सपोर्ट देना, और जॉइंट्स को स्लोली स्मूथली और जेंटली मूव करना, और पेशेंट के जॉइंट को न्यूट्रल पोजीशन में वापस करना, मतलब मोमेंट के बाद में, एक्सरसाइज के बाद में वापस जॉइंट्स को न्यूट्रल पोजीशन में लाना, और एक एक्सरसाइज को वापस 3 to 4 टाइम्स रिपीटेड करना, और आइडियली दिस एक्सरसाइज शुड बी डन वंस पर डे, ठीक है, ये दिन में एक बार तो कम से कम है एक्सरसाइज करनी ही है, और एक्सपेक्ट द पेशेंट हार्ट रेट, पेशेंट की हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को भी असेस करना, इंक्रीज तो नहीं हो रही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अगर एक्सेसिव इंक्रीज हो रही है तो वो रिस्क हो सकता है। जॉइंट आर एक्सरसाइज सिक्वेंसली स्टार्टिंग विद द नेक एंड मूविंग डाउन, डू नॉट कंटिन्यू द एक्सरसाइज टू द पॉइंट दैट द पेशेंट डेवलप्स फैटिग, ठीक है, अगर पेशेंट को थकान हो रही है, फैटिग डेवलप हो रही है, तो एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, और कुछ एक्सरसाइज को डिले भी कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव होने के साथ में। उसके बाद में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ नेक, ठीक है, नेक की कौन कौन सी है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, रोटेशन एंड लेटरल फ्लेक्शन होती है। उसके बाद में शोल्डर जॉइंट्स की जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है वो है फ्लेक्शन होता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है और एक्सटेंशन होता है, ठीक है, और एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, और आउटवर्ड रोटेशन एंड इनवर्ड रोटेशन ऑफ शोल्डर। उसके बाद में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। उसके बाद में है फोर आर्म के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, ठीक है, सुपीनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है, इसमें डायग्राम में दिखा रखा है सुपीनेशन कैसे होती है और प्रोनेशन कैसे होती है। उसके बाद में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और रिस्ट की कौन सी एक्सरसाइज होती है, हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एंड अल्नार फ्लेक्शन एंड रेडियल फ्लेक्शन। उसके बाद में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इस तरह से होती है, और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ फिंगर्स जैसे कि अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड अपोजिशन। देन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ हिप्स, हिप्स की एक्सरसाइज होती है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, आउटवर्ड रोटेशन एंड इनवर्ड रोटेशन। उसके बाद में नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। देन एंकल जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज डोर्सल फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है, और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ फीट, फीट की कौन सी होती है, इन्वर्जन एंड इवर्जन, ठीक है। देन उसके बाद में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ऑफ टॉयज़ की होती हैं जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन।